Not now, inshallah, someday. हाय गाइस, शाम का समय था तो हम निकल गए थे बाहर एक राउंड के लिए। शाम में जब भी निकलते हैं तो थोड़ा फ्रेश फील होता है, इसलिए हम याह्या को लेके निकल गए थे। उसको भी बाहर जाना था, सुबह से कहीं भी नहीं गया था, तो बस एक छोटा सा राउंड के लिए हम तीनों निकले थे घर से बाहर, थोड़ा माइंड रिफ्रेश होने के लिए। तो बस जैसे हम जा रहे थे, कुछ कुछ चीज़ें अच्छी लगी। जो स्कूल है मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमेशा जब यहाँ से हम लोग गुज़रते हैं, ब्रिगेड स्कूल जो है यहाँ का, और ये जो वेडिंग फंक्शन हॉल है, माशाल्लाह मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने ऐसे ही कैप्चर करके यहाँ पे डाल दिया था जब भी यहाँ से गुजरते। तो फाइनली यहाँ आया, उसके स्नैक्स खाने का मन कर रहा था, तो हम आ गए थे उसकी फेवरेट जगह, सुपरमार्केट। तो अभी देखो जितना खुश होता है वो सुपरमार्केट जैसे हम आते हैं, उसकी खुशी समा ही नहीं जाती। तो सुबह नाश्ते के लिए मुझे बनाना था छोले और व्हाट आर यू बाइंग यहाँ? यहाँ बन रही है पूरी और यहाँ बन रहे हैं छोले और यहाँ तिल गरम हो रहा है ब्रेकफास्ट के लिए। छोले ले और ये रहे पूरी। यहाँ गाड़ी भगा रहे हैं स्लोली आ गया। वेरी गुड फास्ट गाइस, ये देखो यहाँ खुद गाड़ी भगाता है। और यहाँ शुरू हो गई थी बारिश, ठंडी ठंडी हवा और मौसम इतना अच्छा था, काफ़ी ठंड थी, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, लेकिन बारिश बहुत अच्छी आ रही थी और सामने का जो लुक था वो भी बहुत प्यारा था, तो इसलिए मैंने कैप्चर कर लिया। और ये रही मैं एक छोटे से पिंपल के साथ, मैं अपने आप को नोटिस कर रही हूँ, पिंपल आ गया था मुझे, जो कि मुझे कभी नहीं आता और अगर आ भी जाता है तो मुझे बहुत इरिटेटिंग फील होता है। और यहाँ नीचे फर्श पे सारा पानी गिर गया था, जहाँ पे हम खड़े भी नहीं पा रहे थे। बारिश जब भी आता है तो यहाँ पे गीला हो जाता है, बस मैं उसको नोटिस कर रही थी, यहाँ कोई गिर ना जाए। बारिश के मौसम में ये खाने का मज़ा ही कुछ और है। ये है भोंडा और बड़ा, तो इसके साथ एक चटनी भी है जो ये पैकेट आए हैं। यहाँ पे काफ़ी टेस्टी मिलते हैं हमारे घर के आसपास, तो बस वही खाएंगे अभी। तो गाइस इसका ना पहला बाइट जो है वो मैं लूँगी चटनी के साथ। बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी है। तो गाइस ये रहा मेरा केसर वाला दूध, जो कि मैं सुबह नाश्ते में अभी लेने वाले हूँ। मैं रेगुलर नहीं लेती, जब मन करता है लेने का तभी लेती हूँ। वैसे आज का वेदर भी बहुत अच्छा है, तो चलिए नाश्ते का हम बाद में देखेंगे, फिलहाल दूध पीते हैं। यहाँ बन रही है मेरी चाय। आज काफ़ी लेट हो गया है, तो ऑलमोस्ट शाम का टाइम हो गया, 8 बजे हो रहे और अब चाय बन रही है। पता नहीं, मन नहीं था, वेदर भी थोड़ा क्लाउडी था, बारिश भी आ रहा था बाहर, तो सो गए थे। अभी उठे हैं, अभी चाय पी, वो मैंने रेडी कर ली है, तो अभी चाय पीते हैं। ऑयल मसाज इज डन, यू लाइक इट? ऑयल मसाज, डिड यू एंजॉय? यस, आई लव यू। ओह थैंक यू, यू लव मी, आई लव यू टू।
No, no, now no yoga, yoga time. Tomorrow morning. Yoga. Tomorrow yoga. Yoga. Okay. Do some yoga exercise. Okay. Wow. So nice. Okay. Then do some more. That's all. Yoga. So he is done with his yoga. Now he is in TV. Oh yeah. Your donut is so beautiful. Chocolates. Donut. And you didn't eat anything. Kuch bhi nahi kha ko hai yaya school cha ko. Assalamualaikum. So guys, abhi main ja rahi hu yaya ko pick karne. काफी लेट हो चुका है, बेचारा वेट कर रहा होगा हमारा. क्या यह होता है तो हमें प्रेस करने ही नहीं देता बटन, वही प्रेस करता है. Look in the mirror. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to the Basum ka channel. कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ. आज का नाश्ता बाहर से किया था हमने, और जैसे कि तबीयत ऊपर नीचे हो रही है तो उस वजह से मैंने कुछ भी खाने में नहीं बनाया. तो अभी घर पे चाय बना रही हूँ और बस अभी चाय पियेंगे. यूजुअली मेरे हस्बैंड नहीं पीते, बट आज उनका भी पीने का दिल है. चाय जो है वो रेडी है. यहाँ पे थोड़ी गिर गई थी, मैंने साफ कर दी है और अभी चाय पियेंगे. गाइस ये मेरा पार्सल आया है फ्लिपकार्ट से, मैं अभी अनपैक करूँगी और ये मैं अभी नहीं बताऊँगी आपको, बाद में बताऊँगी. लंच बन रहा है, लंच की तैयारी कर रही हूँ मैं. बना रही हूँ फल और वाइट चावल. आज थोड़ी स्पाइसी बनाएंगे बिकॉज काफ़ी टाइम से मैं फीका और स्पाइसी भी बहुत कम ले रही हूँ, तो आज थोड़ा सा चटपटा बनाऊंगी. ओके वेरी गुड, स्टार्ट राइटिंग. होल्ड द पेन प्रॉपरली. Very good. Write properly. Yes. Good boy. Write properly. Teacher is seeing. Teacher will look into that.